Hello everyone, so in this video we are going to be talking about file signature analysis. Basically hota kya hai, hum ise kyun use karte hain, ya fir iska cyber forensic mein kya importance ya kya significance hai. To pehle to hame ye pata hona chahiye ki signature analysis kya hoti hai. To signature analysis ek type ki pattern matching hoti hai data ki. Ab iska kya matlab hua कि जैसे हम अपने सिग्नेचर्स या फिर अपने फिंगरप्रिंट्स को आपस में मैच कराते हैं या कुछ भी ऐसा मैच कराते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ ये डेटा जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, या फिर ये जो डेटा है वो आपस में मैच करता है कि नहीं. उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगाने के लिए हम उसको मैच करते हैं, इसी को हम सिग्नेचर एनालिसिस कहते हैं. तो फाइल सिग्नेचर एनालिसिस क्या होता है, जिसके बारे में ये पूरी वीडियो है बेसिकली. तो फाइल सिग्नेचर एनालिसिस जो होता है वो फाइल के हेडर्स और एक्सटेंशन को हम कंपेयर करते हैं. अब एक्सटेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी ऐसा म्यूज़िक आपने इंस्टॉल किया अपने फ़ोन पे, तो वो हमेशा .mp3 वर्जन में सेव होता है. अब .mp3 क्या है, mp3 उस फाइल का एक्सटेंशन है, या फिर MP4 क्या है, वो उस फाइल का एक्सटेंशन है. अब क्या होता है कि कोई भी ऐसा अटैकर होगा, वो आपके फ़ाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देगा. तो अगर उसने आपके फ़ाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर दिया ना, जैसे आपकी वर्ड फाइल है और उसने वर्ड फाइल को PDF फाइल में चेंज कर दिया है उसके एक्सटेंशन को, तो आप वो फाइल एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. जिससे कि ये होगा कि आपको लगेगा कि अब तो ये फ़ाइल करप्ट हो गई है, बट एक्चुअली वो करप्ट नहीं हुई है, उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया गया है. तो इसका यही मतलब है कि अगर आपकी फ़ाइल के एक्सटेंशन को किसी ने किसी भी तरह से चेंज कर दिया है, तो वो ऑल्टरेशन कहलाता है. कोई भी सस्पेक्ट ऐसा फाइल मतलब आपका फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर सकता है, ताकि वो डिटेक्शन अवॉइड कर सके. अब अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, तो वो यही सोचेगा ना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं या फिर हम कोई टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑन अ सेफर साइड दैट वी डोंट गेट कॉट. तो इसलिए वो फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम मतलब हमें इतना साइबर का अगर नॉलेज नहीं है, तो वी वोंट बी एबल टू नो कि ये किसी ने ऐसे किया है या ये खुद ही फाइल ओपन नहीं हो रही है. तो बेसिकली फाइल सिग्नेचर यही होती है. फाइल सिग्नेचर इज़ बेसिकली एक मैथमेटिकल नंबर होती है, जो मतलब बहुत ही मैजिक मैथमेटिकल नंबर होता है, जो हर एक फाइल को दिया जाता है. जैसे PDF की फ़ाइल का एक अलग फाइल सिग्नेचर होगा, और डॉक्यूमेंट की फ़ाइल का अलग एक फाइल सिग्नेचर होगा. ये बहुत ही यूनिक होता है, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक रहते हैं हर एक इंसान के, वैसे ही जो फाइल के सिग्नेचर्स होते हैं वो भी आपस में बहुत यूनिक रहते हैं, कभी भी सेम नहीं रहता. तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ करिए कि एक टी शर्ट है, ठीक है. टी शर्ट में ग्राफिक है, जैसे मेरी टी शर्ट है, इसमें ग्राफिक लिखा हुआ है कि नाइक का ग्राफिक है, जस्ट डू इट लिखा हुआ है, इसमें नाइक की टैगलाइन लिखी हुई है. टैगलाइन को आप समझ लो कि फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है. अब आपके पास तो ये टी शर्ट है, नाइक की टी शर्ट है, उसमें जस्ट डू इट लिखा है. बट आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो आपके पास टी शर्ट है वो किसी और के पास नहीं हो सकती, या फिर किसी और ने उसको कॉपी करके आयरन करके वही लेबल नहीं चिपकाया हुआ है. जैसे नाइक का लेबल मैं कहीं से भी प्रिंट आउट करके कोई भी टी शर्ट में लगा दूँगी तो वो बन जाएगा ना. बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो टी शर्ट है या जो मेरी टी शर्ट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, या जो मेरी फ़ाइल है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो है टैग देख के. अगर मेरे टी शर्ट के पीछे का टैग जो है वो नाइकी बोल रहा है, दैट मीन्स दैट टी शर्ट बिलोंग्स टू नाइकी. बट अगर वो टैग पूमा बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो फाइल जो है वो ऑल्टर्ड हुई है, या फिर वो टी शर्ट जो है वो नकली है. आई होप आई एम आई क्लियर. आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो बेसिकली टैग होता है ना, जो कि फाइल हमें पता चलती है जिससे कि वो फाइल ऑथेंटिक है कि नहीं. उससे पहले तो हम समझते हैं फ़ाइल के स्ट्रक्चर को, मतलब ये सब क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन और फाइल नेम, फाइल हेडर वगैरह. फाइल पहले तो फाइल नेम क्या होती है.
फाइल नेम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें कंप्यूटर इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस टाइप की फाइल उस डिस्क में स्टोर्ड होगी, मतलब क्या वो फाइल है, क्या वो फाइल का फॉर्मेट है, कैसी कैसी टाइप की फाइल्स है, वैसे टाइप का हमें पता चलता है। जैसे कि .mp4 अगर सबको पता होगा तो mp4 बेसिकली वीडियोस के लिए यूज़ होता है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि हाँ .mp4 है या .mp3 है, तो या तो ऑडियो रिलेटेड होगा या वीडियो रिलेटेड फाइल है ये, या .doc है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल है बेसिकली। तो फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन से हमें ये पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है या उस फाइल का फॉर्मेट क्या है बेसिकली। एंड फाइल हेडर फुटर तो आपको पता है कि किस एप्लीकेशन से वो फाइल एसोसिएटेड है, ठीक है, उसका हेडर ये बताती है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो सिग्नेचर होता है एक फाइल का वो हमेशा यूनिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अनलाइक एवरीथिंग। अगर हमें कोई भी टाइप की फाइल सर्च करनी हो ना तो हम उसका इन्फॉर्मेशन डाल के, मतलब हेडर का इन्फॉर्मेशन डाल के बता सकते हैं कि किस टाइप की फाइल है, क्या है ऐसा, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। उसके बाद ये जो हम फाइल का सिग्नेचर पता करते हैं ना, ये एक ऐप या ये एक सॉफ्टवेयर से हम पता करते हैं, हेक्स एडिट करके। उससे हमें फाइल्स के जो यूनिक सिग्नेचर्स होते हैं वो हमें पता चलते हैं कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हमें फाइल्स के सिग्नेचर्स पता चले बेसिकली। तो क्या है फाइल्स के सिग्नेचर, ये हमें हेक्स एडिट के उससे पता चलता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइल सिग्नेचर के, आप देख सकते हैं कि .doc या फिर PPT, PDF ऐसे टाइप के फाइल एक्सटेंशन अगर होगी तो उसकी जो है सिग्नेचर क्या होगी, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें किस टाइप की फाइल्स इंक्लूडेड रहेंगी। उसके बाद अगर MP3, GIF, MP4 ऐसे टाइप की फाइल्स है तो उनका सिग्नेचर क्या होगा, उनके और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसमें किस किस तरह की फाइल्स आएंगी, एंड ये सब आपको इससे पता चलेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फाइल सिग्नेचर के, हर एक एक्सटेंशन का फाइल सिग्नेचर इसमें दिया हुआ है। आप इसको एक एज असेसमेंट लेकर भी वो कर सकते हैं कि आप देखें कि होता है या नहीं, मतलब आपकी वैल्यूज़ इनसे टैली होती है कि नहीं। उसके बाद ये मैंने एक क्विक असेसमेंट रखा है आप लोग के लिए, एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें, मतलब आप लोगों को फाइल्स जो मैंने एक्सटेंशंस दिए हैं, बेसिकली ये जो 6 एक्सटेंशंस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इसमें आप लोगों को इनकी फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करना है। इसमें मतलब इस वीडियो में आपको क्या समझ आया फाइल सिग्नेचर से, तो उसमें फाइल एक्सटेंशंस में इन एक्सटेंशंस में कौन सी फाइल्स एसोसिएटेड रहेंगी, ये आप एज अ असेसमेंट करिएगा। और उसके बाद सेकंड असेसमेंट जो है कि आप देखेंगे कि ये फाइल जो है, अगर मतलब आपने पता करिए जो वो व्यूएबल है कि नहीं। व्यूएबल मतलब अगर उसका किसी ने एक्सटेंशन चेंज किया होगा ना तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे या खोल ही नहीं पाओगे। तो आप ये चीज़ देखना कि आप एक बार अपनी कोई भी PPT या फिर वर्ड फाइल को चेंज करके उसका एक्सटेंशन PDF में कर देना, एंड देन आप चेक करना कि क्या आप वो फाइल एक्सेस कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। ये आपका सेकंड असेसमेंट है, ये दो असेसमेंट मैंने यहाँ ऐड किए हैं। उसके बाद बेसिकली सबसे लास्ट टॉपिक ये बचता है कि हम जो है वो फाइल सिग्नेचर को पढ़ते क्यों हैं आखिर, ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक में इसका क्या रोल है। तो सबसे पहला रोल ये है कि जैसे कोई भी क्रिमिनल है या अटैकर है बेसिकली या हैकर है, उसको अगर चाहिए कि वो आपकी फाइल्स को ऐसे मॉडिफाई कर दें कि जो उसका ऑथराइज्ड यूज़र है वही वो फाइल एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा, इस फाइल के एक्सटेंशंस को चेंज कर देगा। अब जिनको ये फाइल सिग्नेचर्स एंड इन सब का नॉलेज नहीं है वो तो यही सोचेंगे कि हमारी फाइल में भी करप्ट हो गई है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फाइल सिग्नेचर्स
वील बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसका बेसिकली फाइल सिग्नेचर क्या है, या फिर इसके एक्सटेंशन चेंज हुए हैं कि नहीं, या फिर ये फाइल ऑल्टर्ड है या टेम्पर्ड है कि नहीं। ठीक है, अब ये जो है ये फाइल्स को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है इनके डेटा वाइज। जैसे इनमें जिस जिस तरीके का डेटा रहेगा उस तरीके से ये फाइल अपने आप को अलग अलग कर लेगी, डिफरेंशिएट कर लेगी। जैसे वीडियोस का है तो वो अलग रहेगा, ऑडियोस है तो वो फाइल अलग रहेंगी, डॉक्यूमेंट की फाइल्स जो हैं वो अलग रहेंगी। एंड इससे बहुत ही एक एफिशिएंट वे हो जाता है यूज़र के लिए सारी फाइल्स को ढूंढने का। उसके बाद सर्च स्पेस कम कर देती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सर्च स्पेस कम होगी तो हमें बहुत ही सस्पिशियस या मैलिशियस चीज़ें हम यूं ही ऐसे चुटकियों में स्पॉट कर सकते हैं। खैर चुटकियों में तो नहीं, बट इट विल टेक सम टाइम, बट वील बी एबल टू स्पॉट द सस्पिशियस फाइल्स। ठीक है, सिक्योर्स एंड मेंटेन्स फाइल्स इंटीग्रिटी, दिस इज़ द मेन थिंग। क्या उसकी हैश वैल्यू मेंटेन्ड है कि नहीं, या फिर वो फाइल ऑथेंटिक है कि नहीं, ये हमें फाइल सिग्नेचर बताता है। अब और एक और इसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें ये भी बताता है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्या पता आपकी फाइल्स का किसी ने एक्सटेंशन चेंज नहीं किया है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वायरस या मालवेयर्स आप अपनी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप उसका फाइल सिग्नेचर देखोगे एंड फिर आप देखोगे कि अच्छा इसके एक्सटेंशंस तो सेम ही है, मतलब मेरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जिसकी वजह से मैं अपनी फाइल्स एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो फिर आप अपने सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करेंगे एंड उसको वायरस को रिमूव करेंगे। तो कहना चाहिए कि ये वायरस डिटेक्शन एंड मालवेयर डिटेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। तो आई होप आई एम क्लियर कि फाइल सिग्नेचर क्या होती है एंड फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल सिग्नेचर की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।